हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। आर्मेनिया को तबाह करने के लिए आतंकी एकजुट हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक न सिर्फ तुर्की ने आतंकियों को आर्मेनिया भेजा है बल्कि पाकिस्तान भी युद्ध में शामिल हो रहा है। ऐसे में आर्मेनिका और आर्टसक की जनता इस साजिश के खिलाफ सेना में शामिल होने निकल पड़ी। दिन बदला लेकिन तस्वीर नहीं बदली। तीसरे दिन भी काराबाग को लेकर लड़ाई चलती रही। अजरबैजान की सेना काराबाग पर कब्जे की कोशिश में लगी है। वो भारी गोला बारूद से हमला कर रही है, लेकिन अजरबैजान की सेना अकेली नहीं है। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान का साथ तुर्की दे रहा है। तुर्की ने सीरिया से करीब 1000 लड़ाकों को आर्मेनिया में लड़ने भेजा है और इन्हें सैलरी भी दे रहा है। तुर्की की वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि सीरिया की नेशनल आर्मी के कमांडर जनरल जियाद हाजी उबैद ने माना है कि उसने अपने लड़ाकों को आर्मेनिया से लड़ने के लिए भेजा है। इस तरह से वो सीरिया में मदद करने का तुर्की का एहसान चुका रहा है। काराबाग का इलाका आधिकारिक रूप से अजरबैजान के पास है, पर जमीनी हकीकत यह है कि वहाँ आर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा हैं, जो आर्मेनिया के साथ हैं। ये इलाका इन्हीं लोगों के कब्जे में है, जिसे आर्मेनिया का समर्थन हासिल है। 1994 के बाद से यहाँ अजरबैजान का कब्जा कभी नहीं रहा। ऐसे में दूसरे देशों के लड़ाकों की मदद से इस इलाके पर कब्जा करने उतरी है अजरबैजान की सेना। दो लोगों के बीच फोन पर बातचीत से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी लड़ाके भी अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। इस बातचीत को फ्री न्यूज AM ने पोस्ट किया है, जिसमें पहला व्यक्ति बोल रहा है यदि गोलियां चलें तो दूसरी किसी जगह पर चले जाना। तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया अकदम की तरफ, उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी जवानों को इकट्ठा किया है और वो उन्हें अकदम की तरफ ले जा रहे हैं। जानकार मान रहे हैं तुर्की का ये प्लान मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने का है। तुर्की मुस्लिम देशों का प्रतिनिधि बनना चाहता है। अजरबैजान मुस्लिम देश है जबकि आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, इसलिए तुर्की ने गुपचुप तरीके से सीरिया के लड़ाकों को आगे कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान की शह पर अजरबैजान का पाप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं आर्मेनिया के हथियारबंद दस्ते भी अजरबैजान का मुकाबला कर रहे हैं। लगातार टैंक और UAV गिराए जाने की तस्वीरें जारी की जा रही हैं। आर्मेनिया के दावे के मुताबिक उसने अजरबैजान के 137 टैंक और 72 UAV मार गिराए हैं। 7 हेलीकॉप्टर और 1 जहाज भी गिराने का दावा किया गया है। अजरबैजान का जवाब देने के लिए आर्मेनिया और आर्टसक में लोग सेना में भर्ती होने के लिए उमड़ पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत लड़ाई रोकने को कहा है, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ अजरबैजान उतरा है उससे लगता नहीं कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी। ऐसे में सभी की नजरें रूस पर लगी हैं, जो अब तक बातचीत की भाषा में बात कर रहा है। लेकिन जानकारों को लग नहीं रहा रूस लड़ाई से लंबे वक्त तक दूर रह पाएगा, क्योंकि आर्मेनिया उसी की छत्रछाया में पल रहा है। देखिए, कोई भी युद्ध खतरनाक तब हो जाता है जब स्थानीय लोग उस युद्ध की चपेट में आने लगे, यानी कि आम जनता। लेकिन सबके बीच हमने खास ग्राफिक्स तैयार किए हैं ताकि आपको हम समझा पाएं कि कैसे तुर्की ने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए, इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान आ गए हैं सामने, किस इलाके को लेकर, काराबाग के इस इलाके को लेकर जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देश की मान्यता अभी प्राप्त नहीं है। और यहाँ अजरबैजान के समर्थन में कौन खड़ा हो गया है? तुर्की। क्यों? क्योंकि तुर्की की जोर आजमाइश पिछले 1.5 साल से यह है कि वो मुसलमान देशों के संगठन का प्रमुख बन जाए, सऊदी अरब को पीछे कर दे। यहाँ खड़ा हो गया है तुर्की, और तुर्की के साथ खड़ा हो गया है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, इन दिनों तुर्की और पाकिस्तान की करीबियां भी खूब हो गई, और पाकिस्तान भी चाहता है कि मुस्लिम बाहुल्य देशों का जो एक संगठन बने उसमें उसकी भी मौजूदगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इस पूरी जोर आजमाइश में रूस, यानी कि देखिए इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए, रूस अगर साथ खड़ा हो गया आर्मेनिया के, तो क्या पूरी दुनिया विश्व युद्ध का खतरा झेलेगी? इस खबर पर जो भी अपडेट होगा नमस्ते भारत में, हम आपको इसी तरीके से ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे आपकी सहूलियत के लिए।